सिटी की शान। इस प्रोग्राम में हम आज जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं उनका नाम है कैप्टन विकास गुप्ता। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे देश पर एक आतंकवादी हमला हुआ है और पूरा देश जो है आक्रोशित है इस बारे में। मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ इस पर। देखिए, जो आतंकवादी हमला परसों 14 फरवरी को पुलवामा में हुआ है, ये जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के बीच में, श्रीनगर से थोड़ा सा पहले एक छोटा सा कस्बा पड़ता है अवंतीपुरा, अवंतीपुरा के पास एक पुलवामा है, वहाँ पर ये आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें सीआरपी का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का एक कॉन्वॉय जम्मू से श्रीनगर जा रहा था ड्यूटी को टेक ओवर करने के लिए, और उस पर एक आतंकवादी हमला अवंतीपुरा पुलवामा में हुआ। आतंकवादी जो हमला था वो अपने आप में, जो आजकल बहुत लंबे समय से चलता चला आ रहा है कि व्हीकल में एक्सप्लोसिव RDX को लादा गया और जो भी आतंकवादी था उसने अपने व्हीकल को सीधा अपने टारगेट, जो उस टारगेट उस विषय में बस उस केस में बस थी, उसमें जाके उसने दे मारा और एकदम बम विस्फोट हुआ और उसमें इतनी सारी जाने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की गई। ये देखिए साहब, काफ़ी लंबे समय से, बहुत सारे इस सरकार के प्रेशर की वजह से बहुत लंबे समय से आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई थी। बीच में चुनाव भी हुए, चुनाव में सरकार बनी, सरकार को फिर बाद में मुफ्ती मोहम्मद सईद, ये उनकी महबूबा मुफ्ती की सरकार के बाद जब सरकार का समर्थन बीजेपी ने वापस लिया तो बहुत कुछ समय से राष्ट्रपति शासन वहाँ, राज्यपाल का शासन वहाँ चल रहा था। इंटेलिजेंस इनपुट था, जब भी कोई कॉन्वॉय जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस का, उसके लिए कुछ ड्रिल होती हैं, हम फौज में थे तो हम लोग करते थे उन चीज़ों को, देखते थे। मैं यहीं पर ही बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड में भी मेरी पोस्टिंग थी, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी रहा, तो कुछ सिक्योरिटी ड्रिल्स होती हैं, उनका जरूर फॉलो किया जाना चाहिए। ऊपर से सिक्योरिटी इनपुट्स भी था कि कोई घटनाएँ हो सकती है, आतंकवादी घटना है हो सकती है, उस पर विशेष ध्यान शायद नहीं दे पाया सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमारी, और उसकी वजह से ये हमला हुआ और इतनी शहादतें गई। पूरा देश आज स्तब्ध है और आजकल आज हम देख रहे थे टीवी चैनलों पर जिस तरीके से पूरा देश गमगीन है। हमने भी कल यहाँ पर नोएडा शहीद स्मारक में, कल हम जितने भी यहाँ के नोएडा के पूर्व सैनिक निवासी, हम लोगों ने कल मौन 2 मिनट का उनकी शहादत के को याद रखने के लिए किया था, उनकी आत्मा को शांति के लिए किया था। पूरा देश स्तब्ध है और पूरा देश वर्तमान सरकार के साथ है कि सरकार अब निर्णय ले और इस आतंकवाद का बिल्कुल जड़ से खात्मा करें। इस तरह से इसमें एक ISI समर्थित है जैश ए मोहम्मद, उसका नाम आ रहा है, तो बहुत दिन से ये ऐसे जितनी भी कार्रवाई होती हैं, जैश ए मोहम्मद है या जो भी इस तरह के संगठन आतंकवादी, उनका नाम आता है, लेकिन बाद में उनके हो कुछ नहीं पाता। हम जाते हैं बस खाली डायलॉग या बातचीत करने से हालात सामान्य हो जाएंगे, ऐसा लगता है आपको? देखिए, पाकिस्तान जितने भी समर्थित आतंकवादी संगठन हैं जिनका पाकिस्तान में बेस है, उनको हर तरीके से सहायता पाकिस्तान की तरफ से मिलती है, उनकी ISI से मिलती है और बाहर से भी फंडिंग होती है। फंडिंग रोकी जाए इसके लिए अकेले भारत देश के बस की नहीं है, क्योंकि वहाँ पर फंडिंग चैरिटी करके भी वो इकट्ठा करते हैं, सऊदी अरब से भी बहुत सारा फंड इकट्ठा आता है। इसके लिए पूरा जो संसार के और भी देश हैं उनको सबको मिलके इस पूरे प्रॉपर फंडिंग को रोकने का प्रयास करना पड़ेगा। दूसरा, पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ था 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, 14 अगस्त को हमसे एक दिन पहले आज़ाद हुआ था, तो उसका जो निर्माण हुआ था वो भारत की घृणा के गर्व से पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, और जिस दिन से पाकिस्तान का निर्माण हुआ उसके तुरंत बाद ही आपने देखा कि किस तरीके से श्रीनगर में कबायलियों ने हमला किया। कबायलियों ने हमला क्या किया था, पाकिस्तान की उस समय नई सेना थी, उसने हमला किया था। उसके बाद से हम 3 युद्ध लड़ चुके हैं, एक छोटा सा चौथा कारगिल युद्ध भी 1999 में हम लोग पाकिस्तान के साथ लड़ चुके हैं। पाकिस्तान का जो मानस है वो मानस भारतीय घृणा से भरा हुआ है, चाहे वो उनकी सेना हो, चाहे वो उनका शासन हो, चाहे वो उनका सामाजिक संस्थाएँ हो, और चाहे वो ये संस्थाएँ आतंकवादी संस्थाएँ, वो उनका दिमाग में वहीं की वहीं रहता है कि किसी भी तरीके से भारत के खिलाफ, जो भारत के जो जख्म थे, भारत को किस तरीके से जख्म दिया जाए, किस तरीके से कश्मीर को आज़ाद करवाया जाए, इन सब चीज़ों में उसका मानस लगा रहता है। इस मानस का उपाय कई तरीके से आप इसको दूर कर सकते हैं। या तो आप तो सीधा, आपको एक तो आतंकवादियों की फंडिंग रोकनी पड़ेगी, दूसरा आपको मिलिट्री ऑपरेशंस आपको लगातार करने पड़ेंगे जहाँ उनके आतंकवादी अड्डे हैं, जहाँ उनको फंडिंग मिलती है, या जहाँ उनका
जो आतंकवादी जहाँ से उनको प्रेरणा मिलती है उन सब अड्डों को हमें समाप्त करने के लिए एक 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 प्रयास निरंतर करना पड़ेगा। साथ ही हमें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अभी पिछली सरकार इस सरकार ने वहाँ पर चुनावी प्रक्रिया चालू करी, वहाँ पर डायलॉग करना चालू किया। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं सतपाल मलिक, मेरे बहुत अच्छे बहुत पुराने मित्र हैं, मैं उनसे बात करता रहता हूँ। उन्होंने भी एक प्रयास किया कि चलिए जम्मू एंड कश्मीर का मैं एक अमन का वातावरण हो, चुनाव दोबारा होने की संभावना है, तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस भी हो, डिप्लोमेटिक ऑफेंस भी हो, मिलिट्री ऑपरेशंस भी ऑफेंस भी हो और टेरर की फंडिंग भी रुके, इन सब चीज़ों को जब एक साथ अमल में किया जाएगा तभी वहां पर आतंकवाद से सामना किया जा सकता है। आप खुद रहे हैं मिलिट्री में, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी सरकार है क्या उसके दबाव में सेना काम करती है या इतनी छूट नहीं मिली उसे जितनी मिलनी चाहिए? देखिए सेना को ऑपरेशनल लेवल पर सेना को छूट इस सरकार ने दी है। सेना को का जो ट्रेनिंग होती है, सेना की ट्रेनिंग युद्ध करने के लिए होती है। ये जो तो आतंकवाद है ये छदम युद्ध है, सामने एनिमी नहीं होता है, सामने शत्रु नहीं होता है, आतंकवादी एकदम आता है एकदम लड़के चला जाता है वो। तो सेना का जो रोल है ना वो टोटल डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर चूंकि सेना को लगाया गया है तो सेना में स्पेशल यूनिट्स हैं, स्पेशल ट्रेनिंग्स हैं, उसको लगाया गया है। दुर्भाग्य से सेना में तो सारी ट्रेनिंग और ड्रिल का इस्तेमाल होता है, लेकिन सीआरपी में पैरामिलिट्री फोर्सेस में मुझे लगता है कि उतनी सतर्कता नहीं बरती गई जिसके स्वरूप ये दुर्भाग्यपूर्ण परसों का ये आतंकवादी हमला हुआ है। जिस तरह का आज देश में माहौल है आपको नहीं लगता जो धारा 370 है उसको हटाने का सबसे सही समय है? देखिए धारा 370 के लिए पॉलिटिकल पार्टियां प्रयास कर रही हैं और बहुत लंबे समय से इसकी मांग उठती चली जा रही है कि जो जम्मू एंड कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है उसको हटाया जाए। विशेष दर्जा जो जम्मू कश्मीर को दिया गया है वो विशेष परिस्थितियों में दिया गया है और वो विशेष परिस्थितियां उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी उसने कमिटमेंट किया हुआ है। तो भाई जो सरकार ने कमिटमेंट किया हुआ है उस सरकार को ये सरकार और चाहे इससे आने वाली सरकार है वो उस कमिटमेंट से अलग नहीं हट सकती है। सबसे पहली बात तो ये हम लोगों को बिल्कुल सोच लेनी चाहिए। दूसरा विषय जहाँ तक धारा 370 हटाने का है तो जम्मू एंड कश्मीर की वहाँ की जनता को विश्वास में लेना पड़ेगा, वहाँ के जम्मू कश्मीर के रीज़न को जम्मू के जो लोगों को विश्वास में लेना पड़ेगा, श्रीनगर के रीज़न को विश्वास में लेना पड़ेगा, वैली जिसे कश्मीर घाटी कहते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों को लद्दाख और लेह के लोगों को भी विश्वास में लेना पड़ेगा, तब जाके धारा 370 हट पाएगी। उसके लिए रिजॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ेगा और चूँकि कमिटमेंट था, कमिटमेंट है तो उस कमिटमेंट को किस तरीके से दूर किया जाता है सभी लोगों को उसमें शामिल करके फिर धारा 370 हटाई जानी चाहिए। सर 70 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, अब क्या 170 साल तक इंतजार देखने पड़ेगा इसके लिए? सरकार हमारी पावर में है, कोई देशवासी या कोई भी मुल्क आदमी ऐसा नहीं चाहेगा कि ना हटे। जिस समय परेशानी है तो उस पर सभी जितने भी हमारी पार्टी है सबको करना चाहिए इस पर काम। देखिए इसके लिए अलग अलग पार्टियों की अलग अलग दलों की अलग राय है। जो लेफ्ट पार्टी है उनकी अलग राय है, कांग्रेस पार्टी है उसकी अलग राय है और जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी अलग राय है। इसके लिए जो भी पार्टी सत्ता में रहे जैसे इस समय भारतीय जनता पार्टी है उसको सभी समस्त राजनीतिक दलों को सभी सामाजिक संस्थाओं को और जम्मू एंड कश्मीर की जनता को शामिल करके इस विषय पर एक माहौल बनाना चाहिए, तब जाके धारा 370 हट जाएगी। हाँ इतना ज़रूर है कि धारा 370 कुछ स्पेशल प्रावधानों के तहत जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को कुछ स्पेशल प्रावधान दिए गए हैं कि वहाँ का एक अलग से हेड ऑफ द स्टेट होगा, वहाँ का अलग कुछ राज्य के लोगों की कुछ विशेष सुविधाएं होंगी। कि क्या सुविधाएं होंगी, कैसी सुविधाएं होंगी और धारा 370 अगर नहीं हटती है और धारा 370 के अंदर क्या कुछ और सुविधाएं ज़्यादा दी जा सकती हैं जिससे कि उनके दिमाग में जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के दिमाग में कि वो मुख्य धारा से जुड़ें, इस विषय पर एक डिबेट होनी चाहिए मैं समझता हूँ। सर कश्मीर का जहाँ तक मसला है इतने दिन से बहुत सारी सरकार आई चली गई, कांग्रेस है बीजेपी भी है, लेकिन इसको सही मायने में सुलझाने का प्रयास कोई नहीं कर रहा। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सरकार इस सरकार ने बहुत गंभीरता से प्रयास किया। इस सरकार ने गंभीरता से प्रयास ना किया होता तो पिछले 5 साल में दुर्भाग्यपूर्ण ये 14 फरवरी 2019 को आतंकवादी घटना हुई, पिछले बहुत लंबे समय से एक उरी की घटना को छोड़कर कोई बहुत लंबे समय से कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई। ये सरकार का प्रयास डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, नरेंद्र मोदी जी कई देशों की यात्रा पे गए, टेरर फंडिंग किसी तरीके से रोके, किस तरीके से रोके, पाकिस्तान में जो आतंकवादी जो संस्थाएं हैं जो टेरर को फंडिंग करती है उस पर किस तरीके से रोके, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आतंकवाद
कि सिर्फ भारत की समस्या नहीं, आतंकवाद पूरे विश्व की समस्या है। इसमें विश्व के सभी देशों को जो आतंकवाद से प्रभावित है उन सबको शामिल होकर इसमें लड़ने की जरूरत पड़ेगी, तभी आतंकवाद का खात्मा हो पाएगा। इतनी सारी फैसिलिटी देने के बाद ऐसी क्या वजह है जो कश्मीरी लोग हमारी सेना के विरुद्ध रहते हैं? फिर भी कश्मीरी लोगों को का जो आधार है वो मूल आधार है धार्मिक रूप से वहाँ की जो मेजोरिटी की जनता है। अब वो जो भी रीज़न रहे हों उस जनता को मुख्य धारा में लाने का प्रयास होना चाहिए। पिछली सरकारों ने नहीं किया लेकिन इस सरकार ने बहुत गंभीरता से उस जनता को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। चाहे उनको वहाँ पर सुविधाएं दी जाएँ, चाहे वो उनको एजुकेशन हो, चाहे वहाँ का विकास हो, चाहे वहाँ का देखिए मुख्य धारा में कैसे आदमी आ पाएगा, मुख्य धारा में वहाँ पर विकास हो, वहाँ पर शैक्षिक विकास हो, वहाँ पर फ्री एटमॉस्फेयर हो, वहाँ पर लोगों के आने जाने की सुविधाएं हो, फ्री व्यापार की सुविधा हो, तो मुख्य धारा में शामिल किया जा सकता है। उसके लिए सरकार ने प्रयास करती रही है लेकिन कुछ ताकतें ऐसी जम्मू एंड कश्मीर में सक्रिय हैं बहुत लंबे समय से, जिनको पाकिस्तान से समर्थन मिलता रहता है, कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी आधार पर जिसमें मुख्य आधार है धार्मिक आधार है उस पर उनको बरगलाते रहते हैं, खासकर नौजवानों को। नौजवानों की आपने बात की, अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है, मैंने आपसे कहा बहुत ही गुस्सा है लोगों में, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के नौजवानों? देखिए मैं तो नौजवानों से यही कहूँगा कि गुस्सा आपका जायज है। बड़ी आतंकवादी घटना हुई है जिसमें 42 जवान अपने शहीद हुए हैं। गुस्सा आप अपना जाहिर करें, गुस्सा अपना दिखाएं, अपना रोष प्रकट करें, लेकिन रोष के साथ साथ अपना होश ना खोएं। हम बहुत ज़्यादा सरकार पर दबाव ना बनाएं कि वहाँ युद्ध होना चाहिए या पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए, इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अपना रोष प्रकट करें लेकिन साथ ही साथ पूरा देश एक होकर सरकार को समर्थन दे, क्योंकि ऑप्शंस जो होते हैं वो हमारे आपके हाथ में नहीं, जनता के हाथ में नहीं है, वो सरकार के हाथ में है। सरकार समय परिस्थितियों के हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल होगा वो सरकार उसको एक्सरसाइज करेगी। मिलिट्री को भी, मिलिट्री को युद्ध लड़ने के लिए आप एकदम नहीं कह सकते जाइए युद्ध लड़िए, जो लोकल कमांडर को जो जहां जैसी विशेष परिस्थितियां होंगी आतंकवाद के खात्मे के लिए उसके हिसाब से उनको छूट दी जानी चाहिए, जो कि इस सरकार ने कल माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दे दी है सुरक्षा बलों को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद 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 रूप साहब।